कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में देखें तो कार्बोहाइड्रेट डाइट कौन कौन सी है। कार्बोहाइड्रेट डाइट में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, और अगर रूमिनेंट को देखें तो रूमिनेंट की मेन डाइट जो है वो सेलुलोज। ठीक है, तो ये जो आप 65 फूड लेते हैं उसका 65% पोर्शन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोस्टली आप जो फूड लेते हैं उसका 65% जो पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का। वो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट कौन सी है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज, लैक्टोज, जो मिल्क से आता है, सुक्रोज फ्रूट से, या आप शुगर जो चाय में इस्तेमाल करते हैं, और सेलुलोज फॉर रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, रूमिनेंट जो है वो उनके अंदर इंटेस्टाइन का एक और पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं। रूमेन में सेलुलोज की डाइजेशन होती है एसिड्स के अंदर, और फिर वो क्रैब साइकिल के अंदर जाके यूटिलाइज होते हैं। व्हाट हैपेंस इन द माउथ, माउथ में क्या होता है, सीक्रेट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं व्हिच सीक्रेट अल्फा अमाइलेज। ठीक है, और वो जो अल्फा अमाइलेज होता है उसकी ऑप्टिमम पीएच 6.7 होती है। तो क्या होता है कि इसमें कुछ अराउंड 5% जो है वो स्टार्च डाइजेस्ट हो जाती है इनटू डेक्सट्रिन, माल्टोज एंड एसोमाल्टोज। ठीक है, अराउंड 5%। ठीक है, तो 5% ऑलमोस्ट 5% जो स्टार्च डाइजेशन होती है किसके अंदर, वो माउथ में होती है। तो जो स्टार्च है ये माल्टोज और एसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये माउथ के अंदर कुछ सेक्रीशन रिलीज होती है, ठीक है, जिसको सलाइवा भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, मैस्टिफिकेशन कर देता है फूड की। ठीक है, मैस्टिफिकेशन जब फूड की होती है तो क्या होता है, चुइंग है वो इजी हो जाती है टीथ के लिए, वो उसको ग्राइंड करते हैं टीथ, और मैस्टिफिकेशन के बाद वो बोलस की फॉर्म में आ जाती है। जब वो बोलस की फॉर्म में आ जाती है तो इसमें स्टार्च की भी हाइड्रोलिसिस हो रही होती है साथ, क्योंकि यहाँ पे अल्फा अमाइलेज वो कुछ मॉलिक्यूल जो स्टार्च के हैं उसको हाइड्रोलाइज कर रहा होता है, या ग्लाइकोजन के कुछ मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कर रहा होता है। फिर ये डाइट आती है मोलस की फॉर्म में कहाँ पे, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, प्रैटियल सेल और चीफ सेल। जो प्रैटियल सेल्स हैं वो एससीएल रिलीज करते हैं। एससीएल क्या करता है, ये जो एंजाइम आ रहा होता है आपके माउथ से उसको डीनेचर कर देता है। तो यहाँ पे जो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, क्यों, एससीएल उसको डीनेचर कर देता है। एससीएल क्या कर देता है, उसको डीनेचर कर देता है। लेकिन ये एससीएल कुछ सुक्रोज मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइज कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है, और कुछ स्टार्च मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, तो स्टमक के अंदर बस इतनी ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, इसमें एचसीएल का रोल है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में और कुछ स्टार्च मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है स्टमक के अंदर। फिर ये आ जाती है डाइट स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पोर्शन होता है, ड्यूडेनम पोर्शन में पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन आती है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से दो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो लिपिड और प्रोटीन की भी जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है वो भी रिलीज होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन से हैं, इसके अंदर दो सेक्रीशन इम्पोर्टेंट हैं, एक अल्फा अमाइलेज जिसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी कहते हैं, जिसकी ऑप्टिमम पीएच है 7.1। ठीक है, दूसरा है बाइकार्बोनेट सेक्रीशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट बाइकार्बोनेट सेक्रीशन, टू रेज द पीएच ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन 7.1 आर अल्कलाइन पीएच। व्हाई, क्योंकि ये जो एसिड आ रहा है ये पीएच को लो कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए फिर बाइकार्बोनेट एसीएल को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि बाइकार्बोनेट आयन एसीएल को न्यूट्रलाइज करने के पीएच रेज हो जाए। तो ये जो एंजाइम है ये अच्छे से वर्क करेंगे, इसमें अल्फा अमाइलेज है और स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे एंजाइम, ये सारे
6 टू 8 BH की रेंज में वर्क करते हैं। 6 टू 8 रेंज की BH में वर्क करते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज द HCl टू रेज द pH ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, टू रेज द pH ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो अल्फा एमाइलेज है ये स्टार्च को माल्टोज और एसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, फिर ये ड्यूटीनियम से हीलियम के पोर्शन में जाती है डाइट, और वहां पे फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं वो और ज्यादा डाइसैकेराइडेज और डेक्सट्रिनेज एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, डेक्सट्रिनेज एंजाइम क्या करता है कि जो डेक्सट्रिन है उसको माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो माल्टेज है वो माल्टोज को दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सक्रेज है वो सक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, दो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अंदर। अब सक्रोज और एसोमाल्टोज साइनर्जिक एक्शन शो करते हैं, यानी कि इकट्ठे फंक्शन करते हैं, इन दोनों का इकट्ठा फंक्शन होता है तो तीन ग्लूकोज बनते हैं और एक फ्रक्टोज बनता है। क्यों, एसोमाल्टोज के ऊपर एसोमाल्टेज और सक्रोज के ऊपर सक्रेज ये इकट्ठे वर्क करते हैं, तो सक्रोज से एक ग्लूकोज बनना होता है और एक फ्रक्टोज, और एसोमाल्टोज से दोनों ग्लूकोज बनते हैं क्योंकि इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रेक होती है, माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रेक होती है। तो ये जब इकट्ठा एक्शन करेंगे तो एक ग्लूकोज इधर से, दो ग्लूकोज इधर से, तीन ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनेगा ओवरऑल। ठीक है, साइनर्जिक एक्शन का मतलब क्या होता है, इकट्ठे ही फंक्शन शो करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो लैक्टेज फिर क्या करेगा, ये मिल्क शुगर है 5% मिल्क के अंदर यूज होती है और ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी जो डाइट है ये किस फॉर्म में आ जाती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड भी अब्सॉर्ब होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी अब्सॉर्ब नहीं होते। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आएगी फिर ही अब्सॉर्ब होंगे। अगला प्रोसेस है अब्सॉर्प्शन का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।